मजीठिया के हक विच आया कोर्ट का फैसला। माझे दे जरनैल नू 23 फरवरी तक कोई नहीं कर सकता गिरफ्तार। ड्रग्स केस विच फसे साबका अकाली मंत्री बिक्रम मजीठिया नू पंजाब चोणां दे मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। अदालत ने मजीठिया की गिरफ्तारी ते 23 फरवरी तक रोक लगा दी है। पंजाब पुलिस हुण चोणां होण तक अकाली आगू नू गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की अर्जी ते सुनवाई करदिआं चोण प्रचार करन लई वी हरी झंडी दे दित्ती है। इस मौके CGI रमना ने कहा कि अफसोस है कि पंजाब चोणां तो पहलां अजिहे केस सामने आ रहे ने। कोर्ट ने इस नाल ही पंजाब सरकार नू जद तक जमानत अर्जी ते सुनवाई नहीं हो जांदी उदों तक कोई भी कार्रवाई ना करन लई कहा है। अदालत ने मजीठिया नू राहत दिंदिआं 23 फरवरी नू ट्रायल कोर्ट अगे पेश होण लई कहा ते रैगुलर जमानत लैण लई वी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चोणां नेड़े अजिहा मामला दर्ज होण ते चिंता प्रगट कीती है। सुप्रीम कोर्ट दे इस फैसले नाल पंजाब च कांग्रेस नू वड्डा झटका लगदा नजर आ रहा है। बिक्रम मजीठिया पंजाब च मजीठा ते अमृतसर पूर्बी तो चोण लड़ रहे ने। अमृतसर पूर्बी च उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रधान ते मुख्यमंत्री चेहरे की दौड़ च शामिल नवजोत सिद्धू विरुद्ध चोण लड़ी है। नाल ही भारत दे चीफ जस्टिस NV रमना ने पंजाब सरकार दे वकील नूं कहा कि वह सूबे नूं सलाह देण कि यह प्रभाव नहीं जाना चाहिदा कि राजनीति तो प्रेरित केस दायर किए जा रहे ने। सुप्रीम कोर्ट च पंजाब सरकार वल्लों पेश होए सीनियर वकील P Chidambaram ने भी कहा कि वह सूबे नूं यह सलाह देण कि चोणां तो पहलां अजिहे केस दायर ना किए जाण। सुप्रीम कोर्ट दे सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने ड्रग्स मामले च दलीलां दिंदिआं कहा कि पंजाब च बदलाखोरी की सियासत हो रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स मामला अंतरराष्ट्रीय ड्रग रैकेट का मामला है जिहड़ा कि पूरा सियासत तो प्रेरित है। झूठा DGP लगा के परचा दर्ज किया गया। मजीठिया दियां व्याह दियां एल्बमां तक खंगालियां गईयां पर उन्हां दा कोई भी अपराधक पिछोकड़ निकल के सामने नहीं आया क्योंकि वह सच्चा सी, भज्जण वाला भगौड़ा नहीं सी। चढ़दी कला टाइम TV ब्यूरो रिपोर्ट।